हेलो स्टूडेंट्स माय सेल्फ सतीश कुमार एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में विसरण द्वारा चालन कंडक्शन बाय डिफ्यूजन पर विचार किया था और उससे धारा के मान कितना होगा उसकी गणना की थी। अब हम पीएन संधि डायोड समीकरण पीएन जंक्शन डायोड इक्वेशन पर बात करेंगे। जब किसी नेज अर्धचालक के एक तरफ दाता अशुद्धि तथा दूसरी तरफ ग्राह्य अशुद्धि का अपमिश्रण एक साथ किया जाता है तो पीएन संधि का निर्माण होता है, जैसा कि चित्र 2.10 में प्रदर्शित किया गया है। संधि के एक तरफ होल तथा दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में होते हैं, जिससे P से N भाग की ओर होल तथा N से P की ओर इलेक्ट्रॉनों का विसरण होता है। इस क्रिया में संधि पर एक पतली अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन होलों का प्रग्रहण कर लेते हैं। X2 माइनस X1 मोटाई की इस अवक्षय परत में संधि के दोनों ओर विपरीत प्रकृति के आयनों के कारण एक विद्युत क्षेत्र EB या विभवांतर VB उत्पन्न हो जाता है। यह विभवांतर दोनों ओर के बहुसंख्यक आवेश वाहकों को संधि पार करने से रोकता है, अतः इसे विभव रोध क्या या विभव प्राची पोटेंशियल बैरियर VB कहते हैं। यह स्थिति चित्र 2.10 में दर्शाई गई है। संधि के दोनों ओर विपरीत प्रकृति के मुक्त आवेश वाहक होने के कारण उत्पन्न घनत्व प्रवणता संधि के आर पार विसरण उत्पन्न करती है, लेकिन बिना बाह्य विभवांतर के विलगित अवस्था में संधि में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात विभव रोधिका के क्षेत्र EB के प्रभाव में इतनी ही अपवाह धारा विपरीत दिशा में उत्पन्न हो जाती है जिससे कि यह अपवाह धारा विषम धारा के प्रभाव को समाप्त कर दे। पीएन संधि डायोड के खुले परपथ में इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व JN शून्य होने पर समीकरण 2.60 से JN इजकल टू EN0 μEEB प्लस EDN डेल N0 ओवर डेल X इजकल टू 0। इसलिए DN0 ओवर N0 इजकल टू माइनस μEEB dx dN। आइंस्टीन के संबंध से हम जानते हैं कि μE/dN इजकल टू E/kT। इसलिए DN0 ओवर N0 इजकल टू माइनस EB dx/kT। अवक्षय परत के लिए समाकलन करने पर N0 ओवर N0 dN0 ओवर N0 इजकल टू माइनस E/kT इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 to x2 EB dx। यहाँ N0P तथा N0N क्रम से P तथा N भाग में इलेक्ट्रॉन सांद्रता हैं। अवक्षय परत के पृष्ठों के बीच विद्युत क्षेत्र का समाकलन विभव रोधिका VB के बराबर होता है। इसलिए VB इजकल टू माइनस x1 to x2 EB dx, अतः ln N0 P to ln N0N इजकल टू EBB/kT या ln N0N/N0P इजकल टू EBB/kT, जिससे N0P इजकल टू N0N माइनस EBB/kT। इसी प्रकार खुले परपथ में होल धारा घनत्व का मान शून्य होता है, जिससे P0N इजकल टू P0P e^-EB/kT, जहाँ P0N तथा P0P क्रम से N तथा P क्षेत्र में होल सांद्रताएँ हैं। समीकरण 2.64, समीकरण 2.63 और समीकरण 2.64 से स्पष्ट है कि विभव रोधिका VB का मान संधि तल पर N व P पर भाग में इलेक्ट्रॉन तथा होल सांद्रताओं के मान पर निर्भर करता है। N अर्धचालक में N0N = ND तथा N0P = ni² / NA होता है। ये मान समीकरण 2.63 में रखने पर ni/NA/ND e^-EB/kT, जिससे VB = kT/E ln NA/ND/NI². समीकरण 2.65, तो समीकरण 2.65 द्वारा पीएन संधि डायोड में विभव रोधिका VB का मान ज्ञात किया जा सकता है।
फर्स्ट अग्रदिशिक बायस फॉरवर्ड बायस डायोड के पी भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा एन भाग को ऋण टर्मिनल से जोड़ने पर डायोड में पी से एन की ओर धारा प्रवाहित होती है। यह व्यवस्था अग्र बायस पर पथ कहलाती है। डायोड पर अग्र बायस वोल्टता भी आरोपित हो करने पर वाहक 6 परत में आवेश वाहक पहुंचने के लिए पी प्रभाग में इलेक्ट्रॉन सांद्रता एन पी तथा एन भाग में होल सांद्रता पी बढ़ती है एवं संधि पर व्यवहार रोध का मान वी बी से घटकर वी बी माइनस पी हो जाता है। अब 6 परत में विद्युत क्षेत्र ई बी कम हो जाने से संधि पर विसरण में वृद्धि होती है तो पी विसरण में वृद्धि होती है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। यदि बाह्य विभवांतर V के कारण N भाग में होल सांद्रता में वृद्धि डेल्टा पी ओ एन तो समीकरण 2.64 से पी ओ एन प्लस डेल्टा पी ओ एन इज इक्वल पी पी ओ पी एक्सपोनेंशियल ई वी माइनस ई वी बी माइनस पी ओवर के टी या पी ओ पी एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी बी ओवर के टी एक्सपोनेंशियल ई वी ई ई वी ओवर के टी 2.66 समीकरण 2.66 में समीकरण 2.64 को घटाने पर डेल्टा पी ओ एन इज इक्वल टू पी ओ पी ई रेज टू पावर माइनस ई वी बी ओवर के टी और ई रेज टू पावर ई वी ओवर के टी माइनस 1 2.67। इसी प्रकार यदि विभवांतर वी के कारण पी भाग में इलेक्ट्रॉन सांद्रता में वृद्धि डेल्टा एन ओ पी हो तो समीकरण 2.63 से डेल्टा एन ओ पी इज इक्वल टू एन ओ एन ई रेज द पावर माइनस ई वी बी ओवर के टी इंटू ई वी ई ओवर के टी माइनस 1 समीकरण 2.68। तो माना एन अर्धचालक में अल्पसंख्यक माना एन अर्धचालक में अल्पसंख्यक होल का माध्य वेग मीन वेलोसिटी वी एच है तो एन अर्धचालक में अंतःक्षेपण द्वारा धारा घनत्व का होल घनत्व डेल्टा जे पी इज इक्वल टू आई पी ओवर ए ई वी एच ओवर डेल्टा पी ओ एन या आई पी इज इक्वल टू ए ई वी एच पी ओ पी एक्सपोनेंशियल ई माइनस वी ई वी बी ओवर के टी एक्सपोनेंशियल ई वी ओवर के टी माइनस 1 आई पी इज इक्वल टू बी एच एक्सपोनेंशियल ई वी के टी माइनस 1 2.69 जहाँ ए संधि तल का क्षेत्रफल है तथा बी एच ए ई वी एच पी ओ पी एक्सपोनेंशियल का एक नियतांक है। इस प्रकार पी अर्धचालक में अंतःक्षेपण द्वारा धारा का इलेक्ट्रॉन घटक आई एन इक्वल टू बी ई एक्सपोनेंशियल ई रेज टू द पावर एक्सपोनेंशियल ई वी ओवर के टी माइनस 1 जहाँ बी इज इक्वल टू ए ई वी ई एन ओ एन एक्सपोनेंशियल ई माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी वी ओवर के टी संधि में से प्रवाहित कुल धारा आई इज इक्वल टू आई एन ओवर आई पी इज इक्वल टू इसलिए आई इज इक्वल टू बी ई प्लस बी एच एक्सपोनेंशियल ई रेज टू ई एक्सपोनेंशियल ई वी ओवर के टी माइनस 1 या आई इज इक्वल टू आई एक्स एक्सपोनेंशियल ई वी ओवर के टी माइनस 1 जहाँ आई एस इज इक्वल टू बी ई बी एस समीकरण 2.72 पी एन संधि डायोड का वी आई समीकरण कहलाता है। इसे चित्र 2.12 में आरेख द्वारा दर्शाया गया है। इस आरेख से स्पष्ट है कि अग्र बायस अवस्था में धारा चरघातांकी रूप से बढ़ती है। इस धारा को अग्रदिशिक धारा कहते हैं।